आलू की बोरियों में तंबाकू सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन ये सच है। दरअसल स्वाट 2 टीम और नोएडा थाना सेक्टर 126 पुलिस ने संयुक्त रूप से अंतरराज्यीय प्रतिबंधित राज्यों में नकली तंबाकू की तस्करी करने वाले 6 तस्करों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 138 बोरों में लगभग 10,000 किलो नकली तंबाकू बरामद किया है, जिसकी बाजारी कीमत 2 करोड़ रुपए आकी जा रही है। ये लोग इतने शातिर थे कि आलू की बोरियों में नकली तंबाकू की सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने जिस ट्रक को पकड़ा है उसमें 16 बोरी आलू भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए ADCP शक्ति मोहन अवस्थी ने क्या कुछ कहा, सुने। सर, भारी मात्रा में नकली तंबाकू बरामद हुई है, क्या मामला है और कहां से आप लोगों ने ये बरामद किया? मुखबिर की सूचना पर CRT टीम और थाना 126 टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक बरामद हुआ जिसमें 138 बोरी, जिसमें करीब करीब 9,500 से 10,000 किलो नकली तंबाकू प्राप्त हुआ है। इसमें 16 बोरी आलू भी बरामद हुआ। उस आलू को ये लोग ट्रक के पीछे की तरफ रखते थे और उस आलू की आड़ में ये लोग तंबाकू को दिल्ली से लेकर नोएडा होते हुए ये लोग कर्नाटका तक ले जाते थे। ये एक कंपनी का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट यूज़ करते थे। इस कंपनी का नाम हंस है और ये बेंगलुरु की कंपनी है। ये लोग अपना सामान बेंगलोर और कर्नाटका और केरला के क्षेत्र में इसको इलीगली बेचते थे। और कितना मूल्य उसका बताया जा रहा है? करीब करीब 2 करोड़ रुपये इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसमें 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें वह गाड़ी भी बरामद हुई है, कार जो जिसे रेकी करते थे, और वो ट्रक भी बरामद हुआ जिसमें लोग सामान कैरी करते थे। मास्टरमाइंड कोई एक जायसवाल करके लड़का है, वो उसका मास्टरमाइंड है। जिस कंपनी का बेचते थे ये कॉपी करके, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं, उस कंपनी को ही मिसयूज़ करते थे, तो वो तो विक्टिम है और उन्होंने कंप्लेंट दी है जिसमें ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और IPC की धाराओं में मुकदमा लिखा है। सर, कोई आपराधिक इतिहास इनका? हाँ, आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। सर, क्या तंबाकू की सप्लाई करते थे कुछ और भी नस्ल? नहीं, ये लोग तंबाकू की सप्लाई करते थे। इनकी जो फैक्ट्री भी मिली है उसमें भी ये लोग तंबाकू बनाने का ही हमें सामान मिला है। सर, कब से चल रहा था? करीब 6 से 8 महीने से ये लोग इस काम को कर रहे थे। सर, ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? ये लोग मुख्यतः कर्नाटक और केरला में सामान की सप्लाई करते थे।